इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेट ओरिकुलर नर्व एंड वाट इज द रूट वैल्यू ऑफ ग्रेट ओरिकुलर नर्व सी टू सी थ्री एंड ग्रेट ओरिकुलर नर्व दिस इज सेंसरी नर्व सेंसरी नर्व मीनिंग कि ये स्किन को सप्लाई करती है कोई भी मसल को सप्लाई नहीं करती एंड वो नर्व जो मसल को सप्लाई करती है उसे क्या बोलते हैं मोटर ब्रांच या बोल दीजिए मोटर नर्व तो ओवरऑल ग्रेट ओरिकुलर नर्व दिस इज सेंसरी नर्व यानी कि ओनली स्किन को सप्लाई करेगी एंड ग्रेट ओरिकुलर नर्व इसकी टू ब्रांचेज होती है नंबर फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच या बोल दीजिए फेशियल ब्रांच देखिए ना ना ईयर के आगे होगी तो एंटीरियर ब्रांच बोल दिया और ईयर के आगे जस्ट क्या होता है फेस होता है तो ओवरऑल एंटीरियर ब्रांच या बोल दीजिए फेशियल ब्रांच एंड सेकंड कौन सी होती है पोस्टीरियर एंड ईयर के पीछे क्या होता है यहाँ पर मेस्टोइड प्रोसेस तो बोल दीजिए पोस्टीरियर ब्रांच या बोल दीजिए मेस्टोइड ब्रांच तो ओवरऑल एंटीरियर या फेशियल पोस्टीरियर या मेस्टोइड ब्रांच एंड एंटीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ये मेनली दो जगह की स्किन को सप्लाई करेगी नंबर फर्स्ट स्किन ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड स्किन ओवर पेरोटेड ग्लैंड देखिए जो पेरोटेड ग्लैंड है वो आगे होती है सिलेवरी ग्लैंड तो उसके ऊपर की स्किन को कौन सप्लाई करेगी एंटीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ओरिकुलर नर्व एंड आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर इस तरह से ये मैंडिबल बोन होती है और ये क्या है दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल तो एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर की जो स्किन होती है उसे भी कौन सप्लाई करेगी एंटीरियर या फेशियल ब्रांच ऑफ ग्रेट ओरिकुलर नर्व नंबर सेकेंड ब्रांच पोस्टीरियर या मेस्टोइड ब्रांच तो देखिए इसकी नर्व सप्लाई तो ऐसे ही क्लियर है कि किसे कहाँ पर सप्लाई करेगी स्किन ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस ओके एंड जो पोस्टीरियर ब्रांच है ये जो पिन्ना होता है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ की स्किन को भी सप्लाई करता है मतलब कि एंटीरियर ब्रांच भी दो जगह सप्लाई देती है पोस्टीरियर ब्रांच भी दो जगह सप्लाई देती है चलिए मैं आपको टी सी एम एल फ्लक्स से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ तो देखिए अभी आप यहां पर टी सी एम एल फ्लक्स देख रहे हैं और देखिए यहां पर मैंने क्लियर कर रखा है कि ग्रेट ओरिकुलर नर्व रूट वैल्यू क्या है सी टू सी थ्री यहां पर मैंने लिख रखा है साफ साफ इट इज द क्यूटेनियस नर्व यानी कि सेंसरी नर्व ऑफ हेड रूट वैल्यू सी टू सी थ्री एंड जो ग्रेट ओरिकुलर नर्व है ये टू पार्ट में या फिर बोल दीजिए दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है एंटीरियर या फेशियल ब्रांच पोस्टीरियर या मेस्टोल ब्रांच देखिए एंटीरियर भी दो जगह सप्लाई देगी पोस्टीरियर भी दो जगह सप्लाई देगी एंटीरियर कहाँ -कहा देगी स्किन ओवर द पेटेड ग्लैंड एंड स्किन ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल नंबर सेकंड स्किन पोस्टीरियर ब्रांच ये भी दो जगह सप्लाई देती है स्किन ओवर मेस्ट्रोइड प्रोसेस एंड नंबर सेकेंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरिकुलर एक्सटर्नल ईयर अरे मैंने अभी इस वाले डायग्राम से पूरा क्लियर किया था कि पिन्ना के पीछे वाली सरफेस को भी पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ओरिकुलर नर्व सप्लाई देती है तो आई होप देखिए आपको पूरा का पूरा ग्रेट ओरिकुलर नर्व का कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा एंड एक और बात कि जो स्किन ओवर ईयर लोब्यूल होती है यानी कि इसका लेटर और मीडियल पार्ट इसे भी कौन सप्लाई करती है ग्रेट ओरिकुलर नर्व एंड अब आप बोलेंगे कि सर ईयर लोब्यूल ये क्या होता है तो देखिए मैं थोड़ा डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ तो देखिए जो लेडीज़ कान में बालिया पहनती है ना तो कहाँ पहनती है ईयर लोब्यूल के अंदर मतलब कि जो लेडीज़ है वो अपने ईयर लोब्यूल में एक छेद करवाएगी और फिर उस छेद के अंदर क्या पहनती है बालिया पहनती है तो ओवरऑल ये क्या हो गया दिस इज ईयर लोब्यूल तो इसके लेटरल वाली सरफेस और मीडियल वाली सरफेस दोनों तरफ कौन सप्लाई करती है यही ग्रेट ओरिकुलर नर्व तो मैंने यहां पर वही लिख रहा है लेटरली और मीडियली सप्लाइड बाय ग्रेट नर्व ओके